पावर वाइज भी ये ऊपर है ब्रेजा से, वहीं फीचर्स में भी ऊपर है, सेफ्टी में भी ऊपर है, प्राइस में कम है, बूट स्पेस में ज़्यादा है। बूट स्पेस तो इसकी यूएसपी है जिसमें मारुति का कोई भी प्रोडक्ट दूर दूर तक नहीं टिकता, और वो है ये 30-30 के दो भाग में कर दिया है। एलईडी डीआरएल मिल रहा है और टर्न इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, एलईडी लाइट्स मिल रही है। बेस वेरिएंट से ऑफर किया जाता है, यानी ये जो गाड़ी है 8,99,000 रुपए से सीएनजी में शुरू हो जाती है, और यहीं से आप सीएनजी भी डला लो, यहाँ से पेट्रोल डला दो। बता रहा है कि भाई स्टेयरिंग इसकी अलाइन नहीं है, सीएनजी पे इसको मैं टच करूंगा, ये पेट्रोल में हो गई। क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता, तो ड्राइव मोड भी सीएनजी वाले में नहीं मिलते हैं। सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसमें नहीं दिया है। सेगमेंट का सबसे बड़ा एड ऑन पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है। वाइब्रेशन हल्का है ऐसे, मैं इसको पेट्रोल में भी करता हूँ। जो कर्व में अपडेटेड की आई है वो वाली नहीं मिलती है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाटा नेक्सॉन सीएनजी। जब से ये सीएनजी में लॉन्च हुई है भाई तहलका मचा दी, क्योंकि अपने सेगमेंट में इसका कोई राइवल है ही नहीं। राइवल एक है ब्रेजा, लेकिन वो किसी भी मायने में इससे टिक नहीं पाता। वो सारा प्रूफ के साथ मैं आज आपको दिखाऊंगा। फिर चाहे इंजन के पावर की बात करें, प्राइस की बात करें, सेफ्टी की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, फीचर्स की बात करें, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, या हो बूट स्पेस। बूट स्पेस तो इसकी यूएसपी है जिसमें मारुति का कोई भी प्रोडक्ट दूर दूर तक नहीं टिकता, और वो है ये, देख रहे हो आप इसके बूट स्पेस में, एक मीडियम साइज का बैग, एक छोटा ट्रॉली बैग, और एक मैं ये कैरी बैग रख रहा हूँ साथ में। अगर इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूँ ना, ऐसा रख दे, मैं कैमरे का अपना स्टैंड और ये सब भी रख सकता हूँ। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है यार, कि आपको सीएनजी में ये कहाँ मिलता है। कंफ्यूज़ हो गए ना सीएनजी, दिखाता हूँ। ये है भाई टाटा की ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी, जिससे ये सिलेंडर जो है वो अंदर चला गया, यानी जो 60 लीटर का सिलेंडर होता है उसको कंपनी ने 30-30 के दो भाग में कर दिया है, और वो नीचे चला गया है, और आपको पूरा बूट स्पेस 321 लीटर का इसमें मिलता है। और साथ ही जो इसकी स्पेयर व्हील है वो भाई नीचे चली गई है। आप ये देखो, ये है स्पेयर व्हील, जो कि बहुत चौड़ी नहीं है, एक टायर सेवर वाला जो चीज़ कहते हैं वो है, थोड़ी सी पतली है, लेकिन आपका काम चल जाएगा कि जहां आपको पंचर हो वहां आप इसको निकाल के लगा सकते हो। टूल किट वगैरह यहाँ पे प्लेस कर दिया है, मतलब इस ट्रे का भी यूज़ किया है, और ये जो ट्रे है ना ये हार्ड है, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो मैं इस पर भारी सामान नहीं रख सकता, कहीं सीएनजी टैंक पे तो जोर नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, इसको ऐसा प्लेस किया गया। और ये देखो, ये बॉर्डर निकाला गया है जिससे ये इस पर टिक जाता है, और ये ऊपर पोर्शन है, उसके बाद भी उसमें गैप रहता है। तो ये है भाई इसकी यूएसपी। अब बात करते हैं भाई इसको, क्योंकि इसीलिए मैंने वीडियो जो है ना वो फ्रंट से नहीं शुरू किया, पीछे से शुरू किया, कि भाई इम्पोर्टेंट फीचर तो ये है। अब चलते हैं फ्रंट की तरफ, और फ्रंट से शुरू करते हैं, और वो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा ना जो इसको बहुत अलग बनाता है अपने सेगमेंट में। क्योंकि हम अगर ब्रेजा का ही एग्जांपल ले रहे हैं, हालांकि कंपैरिजन तो ऐसा बनता नहीं, लेकिन कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट है इसमें पेट्रोल प्लस सीएनजी का, तो ब्रेजा का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो मैंने आपको दिखा दिया, उसमें सिंगल सिलेंडर आता है, और इसमें आपको ट्विन सिलेंडर, जिससे आपका बूट स्पेस नहीं मरता है। फ्रंट से आप देखोगे तो इसमें ये एलईडी डीआरएल मिल रहा है, और टर्न इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, एलईडी लाइट्स मिल रही है, फॉग लैंप्स मिल रहे हैं। अच्छी बात क्या है कि ये आपको बेस वेरिएंट से ऑफर किया जाता है, यानी ये जो गाड़ी है 8,99,000 रुपए से सीएनजी में शुरू हो जाती है, और उसमें ये सारी चीज़ मिल रही है। प्राइसिंग की भी बात की थी ना, ब्रेजा 9,30,000 रुपए से शुरू होती है, ये 8,99,000, यानी 30,000 रुपए सीधे यहीं बच रहे हैं, और फीचर्स तो भी मैं गिनवाता ही चल रहा हूँ। तो फ्रंट से ये हो गया, इस तरह का आपको लुक मिलता है, और साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको ग्रिल ओपन दिख रही है, ये स्किड प्लेट मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम और फीचर्स की भी बात करें तो आपको साइड में आ जाते हैं, तो ये व्हील आर्चेस बड़े बड़े मिल रहे हैं। टायर प्रोफाइल यहाँ पे आप चेक करेंगे तो 215/60R16 का टायर प्रोफाइल मिल रहा है, साथ ही यहाँ पे आपको बड़े ORVMs मिल रहे हैं जैसे टाटा हैरियर में आता है, टर्न इंडिकेटर्स भी उसी में है, 360 डिग्री कैमरा भी मिल रहा है, साथ ही यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल रहा है ट्विन कलर में, डुअल टोन में ये आपको मिल रही है, रूफ रेल्स भी यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, और जो एक बात की थी मैंने ग्राउंड क्लियरेंस की, 208mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि सेगमेंट में लीडिंग है। और इसके अलावा बैक से तो मैंने आपको दिखा दिया, तब पर भी ये कुछ ऐसे फीचर्स, शार्क फिन एंटीना मिलता है, उसके अलावा आपको स्पॉइलर मिल रहा है,
कनेक्टेड टेल लाइट मिल रही है। टेल लाइट आपको बेस वेरिएंट में भी मिलती है लेकिन कनेक्टेड नहीं रहती। 360 डिग्री कैमरा का यहाँ मिल रहा है, नेक्सॉन की बैजिंग मिल रही है, ICNG की बैजिंग मिल रही है। साथ ही आप अगर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखेंगे तो दो यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं। इसके अलावा डिफॉगर मिला और वाइपर जो है ना भाई यहाँ पे है, ये मत सोचना कि वाइपर इसमें नहीं है। अंदर चलने से पहले आपको बता दूं कि ये टोटल CNG के 8 वेरिएंट में आती है, यानी बेस से लेके टॉप वेरिएंट तक आपको नेक्सॉन ऑफर करती है। वहीं अगर ब्रेज़ा की बात करें या और मारुति की कार्स की बात करें तो वो सिर्फ आपको 2-3 वेरिएंट्स में ही ऑफर की जाती है CNG, लेकिन यहाँ पे आपको 8 वेरिएंट्स का लाइनअप है। अब अंदर चलते हैं, अंदर से भी आपको दिखाते हैं। अंदर से आपको दिखाएं तो यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक मिलता है, यहाँ क्रोम लाइन मिल रही है, यहाँ पियानो ब्लैक फिनिश मिल रहा है, यहाँ थोड़ा सा आपको सॉफ्ट टच मिलता है। इसके अलावा यहाँ अम्ब्रेला होल्डर मिलता है, वाटर बॉटल्स आप यहाँ रख सकते हैं 1 लीटर की 1.5 लीटर की आराम से। हाइट एडजस्ट सीट मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक इसमें नहीं मिलती है, ये टॉप वेरिएंट है। वेंटिलेटेड सीट्स भी आपको इसमें मिलती है। साथ ही यहाँ से आप ओपन करते हैं तो CNG और पेट्रोल का एक साथ ही मिलता है। ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि बहुत सी गाड़ियों में ना ये प्रॉब्लम है कि भाई अलग से कैप दे दिया है, वो बड़ा अजीब सा लगता है। ये देखो ये कैप ओपन हो गया, यहीं से आप CNG भी डला लो, यहाँ से पेट्रोल डला दो। E2 एथेनॉल 20% वाला फ्यूल सपोर्ट इंजन भी है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको फ्यूचर के टेक्नोलॉजी, फ्यूचर के ऑप्शंस जो यहाँ पे टाटा पूरी तैयारी कर रहा है। इसके अलावा अंदर आते ही जैसे ही मैंने ओपन किया, ये देखो मैंने स्टेयरिंग कार्ड रखी है, तो जैसे महिंद्रा में होता है ना वैसे ये बता रहा है कि भाई स्टेयरिंग इसकी अलाइन नहीं है, इसको अलाइन कर दो। ये देखो अब ये सीधी हो गई। तो ये आ गया इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें आप ये देखो CNG का ट्रिप आपको दिख रहा है, व्हीकल इन्फो दिखता है, साथ ही मीडिया इन्फो दिख रहा है और ट्रिप इन्फो दिख रहा है। ट्रिप भी मैंने इसको 0 पे सेट कर दिया है और इसके बाद मैं माइलेज टेस्ट भी करने वाला हूँ, तो उसका भी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेगा कि क्या CNG में इसका एक्चुअल माइलेज मिल रहा है, वो सारे पैरामीटर्स पे ड्राइविंग कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, वो सब आपको अगले वीडियो में मिलने वाला है। तो ये सब मैंने यहाँ पे रीसेट कर दिया है। थीम्स भी आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन इसमें मिलते हैं, ये देखो आप थीम जैसे चेंज हो रही है ना, ये सारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको अच्छा मिलेगा। और जैसे कि मैंने स्टार्ट किया है तो देखो CNG पे है, यहाँ पे ये CNG की बटन है, ये CNG पे, इसको मैं टच करूँगा, ये पेट्रोल में हो गई, ये उसके बाद CNG फिर से मैं दबाता हूँ, ये देखो CNG पे हो गई। तो इस तरह से ये CNG पे हो गई। बाकी सेफ्टी वाले जो फीचर्स मैं बोल रहा था कि किस तरह से ये मारुति में बिल्ड क्वालिटी में ये सब चीज़ में तो बेटर है ही, लेकिन ब्रेज़ा से अगर आप नीचे के वेरिएंट्स देख रहे हो ना, तो इसमें आपको 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड मिलते हैं। सभी वेरिएंट्स में आपको 6 एयरबैग, ESP, EBS, EVD ये सारी चीज़ टाटा की गाड़ी में मिलती है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इंटीरियर वाइज देखोगे कि यहाँ ये हार्ड प्लास्टिक ही पूरा आपको दिया है, 12 इंच की आपको टच स्क्रीन मिल रही है, एयर प्योरीफायर मिल रहा है, कनेक्टेड कार फीचर्स मिल रहा है, तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ तो टेक में भी कोई ऐसी कमी नहीं है। और सेफ्टी फीचर्स की जो मैं बात कर रहा हूँ वो तो आपको मिल रही है, साथ में न्यू स्टेयरिंग मिल रही है एल्यूमिनेटेड वाली आपको, जिसमें ये लाइट जलती रहती है। और यहाँ पे आप देखोगे तो MID के कंट्रोल्स मिल रहे हैं। हाँ, CNG वाले वेरिएंट में एक चीज़ है कि आपको क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता है, और एक और चीज़ मिस आउट है कि यहाँ आपको ड्राइव मोड भी CNG वाले में नहीं मिलते हैं, आपको ये जगह खाली मिल रही है। साथ ही यहाँ आपको लाइट्स के कंट्रोल मिल रहे हैं, यहाँ वाइपर के कंट्रोल मिल रहे हैं, ये आपका पुश बटन यहाँ पर दिया हुआ है, ये पूरा एकदम टच वाला पैनल दिया हुआ है। CNG 360 डिग्री व्यू आप करना है, ये देखो आप कितना बढ़िया दिख रहा है आपको। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी इसमें आपको मिल रहा है, ये फ़ैन के, AC के कंट्रोल्स हैं, ये टेम्परेचर का कंट्रोल है, यहाँ पर भी ये सारा टच जो है ना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब आपको कहीं शिकायत नहीं होगी कि यार ये अच्छा नहीं काम कर रहा है। देख रहे हो तुरंत ये फ्लो भी इसका कितना बढ़िया तेज़ आ रहा है फ्लो, इसको मैं अब मैन्युअली कम कर देता हूँ। ग्लव बॉक्स की भी बात करें तो ये देखो आप भाई, अच्छा खासा बड़ा ग्लव बॉक्स इसमें ऑलरेडी मिलता है, यहाँ पे आपको लैपटॉप की ट्रे भी मिलती है, ये भी टेक्सचर्ड है लेकिन हार्ड है, ये भी आपको ऐसा लगेगा स्टिचिंग के साथ सॉफ्ट टच मटेरियल, लेकिन सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं, लेकिन फिट एंड फिनिश अच्छा है। टाटा ने काफ़ी इम्प्रूव किया है अपनी सीट्स में। यहाँ भी आपको स्टोरेज स्पेस मिल रहा है, साथ ही 12 वोल्ट का सॉकेट मिल रहा है, USB पॉइंट मिल रहा है, 45 वॉट का यहाँ पे आपको सी टाइप चार्जर का ऑप्शन मिल रहा है, हैंड ब्रेक से वायरलेस चार्जिंग पैड मिल रहा है, आर्मरेस्ट मिल रहा है, साथ में स्टोरेज स्पेस भी आपको छोटू सा मिल रहा है। हाँ, एक और ड्रॉबैक है कि यार CNG में टाटा ने आदत बिगाड़ दी है लोगों की यार, और CNG के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसमें नहीं दिया है, जैसे कि टियागो और अपनी बाकी गाड़ियों में दिया है, वैसे ही इसमें भी अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दे दिया होता तो भाई मज़ा आ जाता यार लोगों को कि भाई CNG के साथ ऑटोमेटिक, ओहो
पैसे भी बचेंगे और चलाने का मजा भी दुगना रहेगा। साथ ही यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको टिकट होल्डर यहाँ पे मिल रहा है, ऑटो डिमिंग IRVMs मिल रहे हैं, यहाँ पे भी आप देखोगे मिरर मिल रहा है लेकिन लाइट नहीं मिल रही है। साथ ही भाई आपको सेगमेंट का सबसे बड़ा एड ऑन पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है, इतनी बड़ी सी वन टच है ये। आप इस तरह से ये बटन्स एक्स्ट्रा बटन्स नहीं दी है कि कर्टेन को अलग से खोलने के लिए, या ये इस तरह से आप ओपन कर सकते हो। तो टाटा कर्व वाली जो चीज़ थी वो यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड कर दी गई है। साथ ही हरमन कार्डन का साउंड सिस्टम मिलता है जो कि भाई सेगमेंट में बहुत ही तगड़ा है, और स्पीकर्स और जो आवाज़ है ना वो मस्त है। अब चलते हैं भाई पीछे की तरफ, पीछे वाला भी डोर आपको दिखा देते, ये भी हार्ड है लेकिन यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलता है। साथ ही ये पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल रहे हैं, बॉटल होल्डर मिल रहा है लेकिन यहाँ पे आप आधा लीटर वाला ही बॉटल रख पाओगे, यहाँ पे आपको कोई ऐसा होल नहीं मिल रहा है। रेयर में एसी वेंट्स मिल रहे हैं, साथ ही आपको सी टाइप ए टाइप दोनों चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। इसके अलावा पीछे वाली सीट्स आप देखेंगे तो ये आपको हाइट एडजस्टेबल दोनों हेडरेस्ट मिल रहे हैं, 3-point सीट बेल्ट मिल रहा है, साथ ही यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल रहा है विथ कप होल्डर। तो ये सारी चीज़ अच्छी है भाई। वैसे तो सनरूफ से नहीं निकलना चाहिए लेकिन मैं चेक करना चाह रहा था कि नेक्सॉन में जो पैनारोमिक सनरूफ दी है उससे आप निकल सकते हो कि नहीं। भाई ये आगे है, ये पूरी नहीं खुलती, अंदर आओ दिखाते हैं। ग्लास इसका जो है ना ये पूरा नहीं खुलता, यहाँ वाला जो पार्ट है ये बचा रह जाता है जिसके कारण आप निकल नहीं सकते हो। और अच्छा है कि भाई निकलना भी नहीं चाहिए, रिकमेंडेड भी नहीं है, चालान भी कट जाएगा और सेफ भी नहीं है। तो भाई बस सर्दियों में थोड़ा सा ऐसे मज़ा लो, और गर्मियों में अगर अच्छा मौसम है तो इसको गिराओ और ये ओपन करके रात में आनंद लो। में डार्क इंटीरियर, क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है तो आपको डार्क इंटीरियर इसमें मिल रहा है। तो भाई अब इंजन की बात कर लेते हैं क्योंकि इस CNG कार की वही सबसे बड़ी USP है, और स्टार्ट भी कर देता हूँ तब थोड़ा सा समझ में आएगा कि भाई कैसी परफॉर्मेंस है। ये मैं स्टार्ट कर दिया भाई, और ये ख़ास बात यह है कि CNG में ही स्टार्ट होती है, और ये CNG में इसका अगर नॉइज़ भी आप देख रहे होगे तो इतना नॉइज़ आपको CNG में इसमें मिलेगा। इसको मैं लगा देता हूँ, ये वाइब्रेशन हल्का है ऐसे। मैं इसको पेट्रोल में भी करता हूँ, देखता हूँ कि वाइब्रेशन कम होता है कि नहीं। मैं इसको तुरंत अब मैंने पेट्रोल में कर दिया, साउंड भी कम हुआ और वाइब्रेशन भी कम हुई। चाबी जेब में इसको रख दें भाई, टाटा में ये बीमारी है। हाँ यार, चाबी रखने से पहले बता दूँ, चाबी आपको वही मिलती है जो नेक्सॉन में और हैरियर में, ज़्यादातर टाटा की कार में मिलती है। जो कर्व में अपडेटेड की आई है वो वाली नहीं मिलती है आपको, वही रेगुलर की यहाँ पे मिलती है। तो वैसे एक्सेलरेट करके भी देख लेते हैं, इस तरह से है, और CNG पे भी करते हैं। पेट्रोल पे ये चीज़ है कि थोड़ा सा रिफाइनमेंट बढ़ जा रहा है, वाइब्रेशन कम हो जा रही है इंजन की। पेट्रोल पे थोड़ा सा ऐसे शेकी हो रहा है, और जब CNG पे जा रहा है थोड़ा सा आवाज़ बढ़ रही है लेकिन वाइब्रेशन उल्टा कम हो जा रही है। तो इसको बंद कर देते हैं और फिर बात करते हैं। तो भाई ये था कि इस सेगमेंट का ये जो इंजन है ना, ये आपको 100 HP के पावर के साथ मिलता है, यानी 100 घोड़े एक साथ इसमें दौड़ते हैं, और 170 Nm का टॉर्क मिलता है। वहीं ब्रेज़ा में जो है इतना आपको, या ज़्यादातर CNG गाड़ी में किसी का भी 80-90 के बीच तक में ही हाईएस्ट हॉर्स पावर मिलता है। ये 100 हॉर्स पावर वाली टाटा नेक्सॉन एक पहली ऐसी लौती गाड़ी है। भाई टाटा एक चीज़ में बहुत माहिर है, कोई भी टेक्नोलॉजी और एक्सपेरिमेंट करने में ना टाटा का कोई जोड़ नहीं है। ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी टाटा ने सबसे पहले इंडिया में लॉन्च की, हुंडई ने अडॉप्ट कर लिया लेकिन मारुति ने अभी अडॉप्ट नहीं किया है, जिसके कारण वो पिछड़ती जा रही है। वहीं आपको टर्बो पेट्रोल इंजन में CNG देना, ये भी एक एक्सपेरिमेंट था। CNG में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी देता है टाटा, हालांकि इसमें भी नहीं दिया है, अगर इसमें भी दे देगा ना भाई तो बेस्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। तो पावर वाइज भी ये ऊपर है ब्रेज़ा से, वहीं फीचर्स में भी ऊपर है, सेफ्टी में भी ऊपर है, प्राइस में कम है, बूट स्पेस में ज़्यादा है। तो ये इतनी चीज़ पैरामीटर्स तो बहुत होते हैं एक कार को सेलेक्ट करने के लिए। अब बात आती है कि भाई इसकी फ्यूल एफिशिएंसी, भाई इसमें जो
टाटा ने क्लेम किया है वो 24 पॉइंट समथिंग का फ्यूल एफिशिएंसी क्लेम किया है, वहीं ब्रेजा में आपको 25 पॉइंट कुछ 1 किलोमीटर का अंतर पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे वो आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हो, इसके बाद वो वीडियो आएगा जिसमें मैं इसका माइलेज टेस्ट करने वाला हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या एक्चुअल माइलेज निकला है। बट मुझे जो लगता है सीएनजी में 20 के आसपास निकलेगा और वो बुरा नहीं है क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में ये मिल रहा है और ये सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। ऐसे में अगर ब्रेजा को इससे टक्कर लेनी है तो भाई या तो उसको फीचर अपडेट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी अपडेट करना पड़ेगा, या प्राइस कम करनी पड़ेगी, तभी इससे लड़ पाओगे, नहीं तो लड़ना बहुत मुश्किल है। बाकी दोस्तों ये था आज के वीडियो में टाटा नेक्सॉन सीएनजी को लेके, तो भाई ये पूरा अपडेट था टाटा नेक्सॉन सीएनजी को लेके, और जो इसका कॉम्पिटिटर एक ही मुझे ब्रेजा लगा, तो इसीलिए मैंने उसको कंपेयर उससे किया। अब आप लोग खुद डिसाइड करो बींग अ बायर कि आपको कम पैसे में ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिल रहा है। बाकी डिटेल्स आपको कैसी लगी, वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और चैनल को अभी तक अगर फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, चाहे YouTube पे, Instagram पे या Facebook पे, आपको सारी डिटेल्स ऑटोमोबाइल्स को लेकर मिलती रहेगी ऑटो ट्यूब इंडिया के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।